सिवनी मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल प्रमुख संगठन का व पूर्व केवलाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक ठाकुर रजनी सिंह की माताजी पूर्व श्री विभागीय मंत्री रहे स्वर्गीय ठाकुर हरिवंश सिंह की पत्नी पवनबाई ठाकुर का शनिवार रात भोपाल में लंबे इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर लगते ही समूचे छत्री राजपूत समाज सहित क्षेत्र एवं प्रदेश में शोक व्याप्त है और रविवार सुबह उनके पार्थिव शरीर को भोपाल से छपारा के पास उनके गृह निवास बर्रा लाया गया। यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा छपारा खुर्द स्थित पवित्र नदी वैनगंगा के मोक्ष धाम गई। दोपहर लगभग 3 बजे यहां दोनों पुत्र रंजनीश सिंह एवं अवनीश सिंह द्वारा मुखाग्नि दी गई। जिला व प्रदेश से हजारों की तादाद में जनसैलाब उमड़ता देखा गया। बड़ी संख्या में प्रदेश से लेकर महाकौशल के सभी विभिन्न दलों के वरिष्ठ पदों पर आसीन नेताओं को हिस्सा लेते हुए देखा गया। शोकाकुल परिवार को शोक संवेदना व्यक्त कर देवगत पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसमें मुख्य रूप से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री कांग्रेस की दिग्गज नेत्री लांजी विधानसभा क्षेत्र की विधायक हीनाजी कावरे एवं सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन एवं केवलारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश पाल सिंह एवं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना पप्पू भैया एवं बड़ी संख्या में प्रदेश क्षेत्र के नेताओं ने माता जी को निधन पर शोक व्यक्त कर उनकी खूबियों को गिनवाया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उक्त अवसर पर कांग्रेस के प्रमुख वरिष्ठ नेता भाई सलीम खान सिवनी एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता बलवंत सिंह एवं कांग्रेस के छपारा के नेता गुलाब साहू एवं आरिफ खान सहित कई नेताओं एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर राकेश बेस, ठाकुर नवनीत सिंह, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह और शहीद मोहम्मद खान एवं महाकौशल एक्सप्रेस के संपादक सलीम खान एवं छपारा के हसन खान, चंदू श्रीवास्तव, आनंद तिवारी मौजूद रहे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी से राजेश शिवहरे की रिपोर्ट।